डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिकली हम लोग देख चुके हैं इसके जस्ट पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, जहाँ पे एक पॉइंट का प्रोजेक्शन पढ़े थे और इसके लोकेशन हमने पढ़ा था इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबव एचपी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन का जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें कि एक पॉइंट कोई मान लीजिए ए है, दूसरा कोई पॉइंट बी है। यदि इस दोनों को मिला देते हैं फ्रॉम ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, बट इफ वी जस्ट इमेजिन विथ शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। दिस इज द वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग दैट वी विल लर्न here in this video. I suppose you have subscribed this channel. Not yet? Must subscribe to develop your learning in engineering drawing as well as in mechanics. Now we have already seen this concept of first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. ये VP ऊपर नीचे, ये HP. This is the XY line or also called reference line. Accordingly, we have to see the object. This is the observer. Object can be either in first, second, third और fourth quadrant. हमेशा VP पे फ्रंट व्यू बनेगा। जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमेशा वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू बनेगा और HP पे हमेशा टॉप व्यू बनेगा। ध्यान दीजिए, HP जो प्लेन है हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज दी XY लाइन, दिस इज दी वर्टिकल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड। नाउ कम टू द प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली हम लोग देख चुके हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। अब देयर इज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन एंड कंडीशन टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। व्हाट मे बी द कंडीशन? ए लाइन, a vertical line, that means perpendicular to HP and parallel to VP. Line parallel to both HP and VP. Line inclined to HP, parallel to VP. ये हम लोग पूरा डिटेल में अभी एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जस्ट कम टू द फर्स्ट केस, ए लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरल टू VP. दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हाउ डज इट? दिस इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू HP, तो HP के जस्ट परपेंडिकुलर एंड VP के पैरेलल हो गया AB। जब ऑब्जर्वर यहाँ से आप देखेंगे तो A डैश फ्रंट व्यू और B डैश फ्रंट व्यू लाइन का बन जाएगा। A डैश एंड B डैश, जस्ट देखिए यहाँ पे। अब फ्रंट व्यू बनने के बाद जब आप टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो ध्यान दीजिए, A और B दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहा है, एक ही प्रोजेक्टर लाइन पे। यहीं पे A और B दोनों हो जाएगा। अब ये टॉप व्यू होने के बाद इसको हम प्रोजेक्ट कहाँ करते हैं? XY लाइन के रेफरेंस में। तो ये आपका XY लाइन पे ही AB बन जाएगा। सेकंड केस आइए, A लाइन पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP, दोनों ही प्लेन के पैरेलल है। तो ध्यान दीजिए, AB क्या हो गया यहाँ पे? VP के पैरेलल है। तो A और B, ये जो आप प्रोजेक्टर का लेंथ दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये दोनों में क्या होगा? हमेशा सेम होगा। ध्यान दीजिए, फ्रंट व्यू हो गया A डैश और B डैश, और इसका टॉप व्यू ध्यान दीजिए, A और B दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे है। कहाँ से? XY लाइन से, क्योंकि AB क्या है आपका? पैरेलल है। अब ऑर्थोग्राफिक पैटर्न में इसी को हम कैसे रोटेट करते हैं? हम बता चुके हैं कि HP हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये जब क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो जितना इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन है, ये AB जो है, AB लाइन जितना इन फ्रंट ऑफ VP है उतना ही रोटेट होने के बाद जस्ट नीचे आ जाएगा। दिस इज द प्रोजेक्टर लाइन। दिस विल बी A डैश B डैश फ्रंट व्यू जो आप यहाँ देख रहे हैं, और यही टॉप व्यू यहाँ पे आ गया AB। दिस इज द ऑर्थोग्राफिक पैटर्न। Similarly, see here, this is the front view, and what about top view? जितना ये in front of VP है उतना ही एक्स वाई लाइन के नीचे चले जाएगा रोटेट करने पे। कम टू द थर्ड कंडीशन, ए लाइन इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। दिस लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी एट एन एंगल थीटा। जो एच पी से इंक्लाइन होगा हमेशा थीटा से इंडिकेट करते हैं और ए बी के पैरेलल है, तो ध्यान दीजिए ये ए डैश और बी डैश बन जाएगा यहाँ पे फ्रंट व्यू। व्हाट अबाउट टॉप व्यू, यहाँ पे ए बनेगा आपका ए एंड बी। यहाँ जब आप देखेंगे ध्यान से तो ए बी जो ट्रू लेंथ है, दिस इज द ट्रू लेंथ, बट इसका टॉप व्यू विल बी लिटिल बिट शॉर्टर। और जितना एंगल बढ़ते जाएगा उतना ही टॉप व्यू छोटा होते जाएगा। एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ए और बी सिर्फ एक पॉइंट पे आ जाएंगे दोनों। ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्रंट व्यू से दैट मीन्स वीपी से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। दैट इज योर ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ये फ्रंट व्यू हो गया थीटा एंगल पे और ये आपका टॉप व्यू एचपी प्लेन पे नीचे आ गया। Now come to the fourth condition, inclined to VP and parallel to HP। ये आपका VP से inclined हो गया, HP से inclined को थीटा इंडिकेट करते हैं और VP से inclination को हमेशा फाई से इंडिकेट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या हो गया A और B। अब यहाँ पे जिसके पैरेलल होगा हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज जिसके पैरेलल होगा वहां पे ट्रू लेंथ दिखेगा और जिससे इंक्लाइंड होगा वहां पे शॉर्टर लेंथ दिखेगा। जैसे यहां से एचपी से इंक्लाइंड था तो एचपी पे जो टॉप व्यू बना वह शॉर्टर लेंथ बना, दिस इज द ट्रू लेंथ। इन द सेम वे यहाँ पे एचपी के पैरेलल है तो यहाँ पे टॉप व्यू तो ट्रू लेंथ का दिखा, लेकिन जब आप यहाँ से देखेंगे तो वीपी पे जो फ्रंट व्यू बन रहा है वो शॉर्टर लेंथ का है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आपका ट्रू लेंथ बना टॉप व्यू में, लेकिन फ्रंट व्यू में हमेशा शॉर्टर लेंथ बना। तो हमेशा ध्यान रखिए एक की पॉइंट कि जिसके पैरेलल होगा वहां पे ट्रू लेंथ होगा और जिससे इंक्लाइंड होगा वहां पे आपका शॉर्टर लेंथ होगा। और जहां ट्रू लेंथ बनेगा सबसे पहले वही बनाएंगे। फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन, ध्यान दीजिए ए लाइन इंक्लाइंड टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। ध्यान दीजिए अभी क्या है, ये ए बी वीपी से इंक्लाइंड है। ध्यान दीजिए अभी क्या है, ये एचपी से इंक्लाइंड हो गया एट एन एंगल अल्फा और ये वीपी से इंक्लाइंड हो गया, दिस इज अल्फा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज बीटा एंगल विथ वर्टिकल। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जैक्ट फिगर ये बना फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू आपका बना। अब इसको हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये अल्फा फ्रंट व्यू हो गया और ये बीटा एंगल पे टॉप व्यू हो गया। यही 5 कंडीशन है आपके स्ट्रेट लाइन में। यदि ये 5 कंडीशन समझ गए और स्पेशली दिस कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन इन द स्ट्रेट लाइन। Reason being that the most of the problems in examination comes from this condition only. This is the orthographic representation of the front view and top view of the line. अब यहाँ पे ध्यान दें कि हमने बताया था आपको कि जब लाइन किसी भी प्लेन के पैरेलल होगा तो ही ट्रू लेंथ दिखेगा। और यहाँ पे नहीं ये एचपी के पैरेलल है नहीं वीपी के पैरेलल है, तो यहाँ ट्रू लेंथ आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। जब ट्रू लेंथ नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रू लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं। और कैसे ड्रॉ करेंगे वह एक एक पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एज इट इज ड्रॉ कर लें। नोट द प्रोसीजर हियर, हाउ टू फाइंड द ट्रू लेंथ। Views are rotated to determine true length and its inclination with HP and VP. कैसे इसको रोटेट करते हैं आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो टॉप व्यू बना था, टॉप व्यू से हम यहाँ पे आर्क ले लिए यहाँ से, तो ये क्या हो गया आपका आर्क बन गया। और इस ए के प्रोजेक्टर पे इसको मार्क कर लिए। इसको मार्क करने के बाद ये B1 हो गया और यहाँ से जस्ट परपेंडिकुलर लाइन कहाँ गिरा देते हैं, इस वाले प्रोजेक्टर पे B' के प्रोजेक्टर पे। डी डैश के प्रोजेक्टर पे गिरा दिए, ये क्या हो जाएगा आपका B1 का B1 डैश। दिस विल बी योर ट्रू लेंथ, ए डैश एंड B1 डैश विल बी योर ट्रू लेंथ। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे क्या किया सबसे पहले इसको रोटेट कर दिए, तो जो लेंथ इस टॉप व्यू का है वही लेंथ इस टॉप व्यू का है। फिर इसको जब प्रोजेक्ट कर देंगे कहाँ पे, इस बी डैश वाले लाइन पे, और इसी प्रोजेक्टर पे जब ए डैश से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा ट्रू लेंथ एट एन एंगल थीटा। और एक्चुअल जो फ्रंट व्यू था वह कितने एंगल पे था, अल्फा, और अभी भी है। अब ये ट्रू लेंथ कहाँ पे आपको मिल गया फ्रंट व्यू में, यही ट्रू लेंथ आपको कहाँ मिलेगा टॉप व्यू में, क्योंकि ट्रू लेंथ तो ट्रू लेंथ है, हमेशा इक्वल होगा। जो लेंथ यहाँ मिला वही लेंथ यहाँ पे आप बी का प्रोजेक्टर लेकर के इसको ड्रॉ कर दीजिए। ए डैश B1 डैश ट्रू लेंथ हो गया, और ये ए B2 अगेन ट्रू लेंथ हो गया। ये कैसे आएगा आप ध्यान दीजिए, इस B1 डैश से जो ट्रू लेंथ आया इसी को लेकर के आर के यहाँ पे हम काटे हैं, उतना ही लेंथ का ड्रॉ कर देंगे तो ये ट्रू लेंथ हमारा हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड है कि ये ट्रू लेंथ मिल गया, ये ट्रू लेंथ इस प्रोजेक्टर पे कट कर दिए और इसको ऊपर प्रोजेक्ट करके सीधा डायरेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ट्रू लेंथ है। आर्क हमेशा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के लिए मार लेते हैं, जबकि डायरेक्ट ट्रू लेंथ के लिए स्ट्रेट लाइन लेंगे, इसी का उल्टा जस्ट यहाँ पे गिरा सकते हैं और यहाँ से टॉप व्यू ले सकते हैं। दैट विल बी योर फ्रंट व्यू। दैट मीन्स द प्रोसीजर इज सेम बट इट मे बी वाइस वर्सा। जैसे हम यहाँ पे किए सीधा, ठीक उल्टा भी कर सकते हैं कि जब ट्रू लेंथ दिया हो तो जस्ट इसको प्रोजेक्ट कर दें ए वाले प्रोजेक्टर लाइन पे और आर्क मार दें इधर, ठीक है, तो आपका इधर ट्रू लेंथ मिल जाएगा या टॉप व्यू मिल जाएगा। कोई एक कंडीशन मालूम होना चाहिए, और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखिएगा कि इधर जो आपका बी और बी डैश फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो बनेगा एक सिंगल, मतलब दोनों एक दूसरे के एकदम अलाइनमेंट पे बनेंगे। ध्यान दीजिए बी डैश और यहाँ B2 डैश जो बनेगा एकदम सेम लाइन पे, बी डैश और B एकदम सेम लाइन पे बनेगा। दैट इज इंडिकेशन दैट योर क्वेश्चन इज ट्रू। देन you can see here there are total 8 parameters in the straight line, क्या front view, top view, true length, चौथा एंगल अल्फा, पांचवा बीटा, छठा थीटा, सातवां फाई और आठवां the position of और location of the point A, कितना ऊपर है या कितना in front है, ये चीज आपको दिया रहेगा। that is the one of the best question to understand the straight line. Now come to a simple question again. In A of a line AB is 20 mm above the HP and 20 mm in front of VP, while its end B is 55 mm above HP and 75 mm in front of VP. The distance between end projector of the line is 50 mm. Draw projection of the line and find its true length. अब ध्यान दीजिए, इस A का सबसे पहले 20 mm above the HP है, above the HP मतलब above the XY line फ्रंट व्यू बनेगा, और 20 mm in front of VP, in front of है तो हमेशा टॉप व्यू बनता है, और कहाँ बनता है XY के नीचे, और कितना नीचे, जितना in front दिया रहेगा। 20 नीचे दिया है 20 बना लिए। ठीक इसी तरह से आपका B के लिए ड्रॉ करेंगे, लेकिन B कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ कहाँ, इसी के लिए यहाँ दिया हुआ है 50 mm डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर इज 50 mm। इस 50 mm के डिस्टेंस पे हमने इस B को हम इंडिकेट करेंगे, कहाँ पे 55 mm above the HP, देखिए यहाँ पे 55 mm above the HP ले लिए फ्रंट व्यू, और 75 mm इन फ्रंट ऑफ VP। दैट मीन्स देयर विल बी टॉप व्यू XY लाइन के नीचे, और कितना नीचे 75 mm। ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं कि कहां पे फ्रंट व्यू बनेगा किसी पॉइंट का, कहां टॉप व्यू बनेगा। तो ये यदि आपको समझने में दिक्कत है तो उस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो को, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अदरवाइज हमेशा ये प्रॉब्लम बना रह जाएगा। अब हम इसको ए डैश बी डैश को मिला दिए और ए बी को मिला दिए, तो ये क्या हो गया आपका फ्रंट व्यू और ये क्या हो गया आपका फाइनल टॉप व्यू। दिस इज द फाइनल पोजीशन, बट यहाँ पे कहीं भी ट्रू लेंथ नहीं है जो हमें निकालना है। थीटा और फाई नहीं है, हमें अल्फा और बीटा तो यहाँ मिल गया, यहाँ पे ये एंगल बीटा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से अल्फा हो जाएगा। अब इसका ट्रू लेंथ कैसे निकालेंगे, जस्ट पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट यहाँ से आप आर्क ले लेंगे, आर्क ड्रॉ कर लेंगे और इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे B1 और B1 डैश। अब इसको A डैश से मिला देंगे तो दैट विल बी योर ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ कितना निकल गया 83 mm। ध्यान दीजिए फ्रंट व्यू का भी लेंथ आप निकाल सकते हैं, दिया हुआ नहीं है लेकिन आप निकाल सकते हैं। ये थीटा आपका निकल गया, अल्फा भी निकल गया। अब इस टॉप व्यू में आपको ट्रू लेंथ निकालना हो तो अगेन फ्रंट व्यू जो मिला है हमें फाइनल, उसका आर्क ले लेंगे कहाँ पे ए डैश के प्रोजेक्टर पे और इसको सीधा नीचे गिरा देंगे कहाँ बी वाले प्रोजेक्टर लाइन पे और इसको ए से मिला देंगे। ये क्या हो जाएगा ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू और ये एंगल कितना हो जाएगा फाई और ये टॉप व्यू के साथ एंगल कितना था ऑलरेडी बीटा। दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्शन। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक एच टी वी टी मांगता है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस और एच और भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट एंड वर्टिकल पॉइंट। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले फ्रंट व्यू जो फाइनल फ्रंट व्यू मिला है ए डैश बी डैश उसको पीछे के तरफ या आगे के तरफ इस तरह से एक्सटेंड कीजिए या एक्स वाई लाइन को कट कर दे। जहाँ पे एक्स वाई लाइन को कट करेगा वह पॉइंट आपका एच डैश होता है हॉरिजॉन्टल पॉइंट और उसी तरह से इस टॉप व्यू वाले को भी पीछे एक्सटेंड कर दीजिए और जहां पे ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट मिला इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए कहाँ टॉप व्यू वाले पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका एच टी हॉरिजॉन्टल ट्रेस इसको बोलते हैं। उसी तरह से ये आपका वर्टिकल टॉप व्यू वाला जहां एक्स वाई लाइन को काटेगा वो वर्टिकल पॉइंट होगा और इसको गिरा दीजिए कहाँ पे फ्रंट व्यू वाले पे, तो ये क्या हो जाएगा वर्टिकल ट्रेस। हमेशा ध्यान रखिए कि ये एच डैश और वी डैश, H dash, V dash is the part of front view, H and V is the part of top view. H dash H, V dash V हमेशा प्रोजेक्टर लाइन पे होगा दैट मीन्स एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर होगा और ये देखिए सारे फ्रंट व्यू H dash, V dash, A dash, B dash सब एक साथ है कि नहीं, they all will be collinear in the similar way H, V, A, B all are collinear that means The whole top view will be collinear और whole that means कि पूरा का पूरा front view collinear होगा। Now come to see a line inclined to both HP and VP. How will you get it solved? A line AB 70 mm long has its end 25 mm above HP and 25 in front of VP. It is inclined at 30 degree to HP and 45 degree to VP. अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस बिटवीन इंड प्रोजेक्टर्स दिया हुआ था, अभी इंड प्रोजेक्टर का डिस्टेंस नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको एंगल दिया हुआ है। और ध्यान दीजिए लास्ट क्वेश्चन में आपको ए और बी दोनों का पोजीशन दिया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ ए का पोजीशन दिया हुआ है, आपको बी का पोजीशन निकालना है क्योंकि किसी भी लाइन में देयर आर टोटल 12 पैरामीटर्स। जब आप देखेंगे तो एक पैरामीटर सबसे पहला जो पैरामीटर है ए और बी का पोजीशन दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया है तो आपको निकालना है। उसी तरह से ट्रू लेंथ थीटा फाई अल्फा बीटा फ्रंट व्यू टॉप व्यू एच एच टी वी और वी टी, इस तरह से 12 पैरामीटर हैं, इसमें से कुछ 2-4 दिए रहेंगे और रिमेनिंग जो भी हैं आपको निकालने हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो स्ट्रेट लाइन 50% आसान हो जाता है। तो ध्यान दीजिए ए को हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे 25 mm above the HP एंड 25 mm in front of VP और ए डैश से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ ए से भी एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये फ्रंट व्यू का एंगल दिया है 30 डिग्री टू HP, तो 30 डिग्री पे एक 75 mm चूंकि ट्रू लेंथ दिया है आपको 70 mm, तो ये 70 mm का लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 70 mm पे B डैश, इसको हमने B1 डैश लिया है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आप देखे होंगे तो B डैश हमारा फ्रंट व्यू वाला होता था और B1 डैश वाला ट्रू लेंथ होता था, इसलिए हमने यहाँ पे B1 डैश को ट्रू लेंथ कंसीडर किया है। अब क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से जो गिवन है सबसे पहले उसी को हम काम कर रहे हैं, अपने मन से अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो गिवन है क्वेश्चन में उसी को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये 45 डिग्री टॉप व्यू से दिया है तो इसको हम टॉप व्यू में 70 mm दैट मीन्स की VP से दिया है, और VP से जो एंगल देगा हमेशा नीचे लेंगे और HP से जो एंगल देगा हमेशा ऊपर लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे B1 प्रोजेक्ट कर दिए और इससे आर्क लगा लिए तो ये क्या मिल गया हमारा B2 और B2 के प्रोजेक्टर पे B मिल गया। दैट विल बी योर टॉप व्यू, दिस इज योर ट्रू लेंथ। B2 क्या था, ट्रू लेंथ। अब ये टॉप व्यू मिल गया तो हम बताए थे कि ये फाइनल टॉप व्यू फाइनल फ्रंट व्यू विल बी ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो B से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए कहाँ पे, B1 वाले प्रोजेक्टर पे, B1 डैश के प्रोजेक्टर पे। अब इस A डैश को B डैश से मिला दीजिए तो क्या हो गया आपका ये फाइनल फ्रंट व्यू। अब आपका ये अल्फा और बीटा भी निकल गया, ये आप इससे भी कर सकते हैं कि ट्रू लेंथ जो टॉप व्यू में है उससे प्रोजेक्टर गिराए, प्रोजेक्ट कर दिए और यहाँ से आर्क लगा दिए तो ये क्या हो गया B डैश। दोनों कंडीशन है। अब यहाँ से आपका HT और VT तो बता चुके हैं, इस फ्रंट व्यू को आप खींच लीजिए और ये जो फाइनल टॉप व्यू मिला उसको ड्रॉ कर लीजिए। जो फाइनल आपका फ्रंट व्यू वाला आएगा H डैश होगा जहाँ भी XY लाइन पे कटेगा और इसको प्रोजेक्ट कर देंगे ऊपर कहाँ तक, इस जो टॉप व्यू वाली लाइन आ रही है, जो टॉप व्यू वाली लाइन XY को काटेगा यहाँ पे क्या बनेगा वर्टिकल पॉइंट, और यहाँ से एक प्रोजेक्टर गिरा देंगे कहाँ पे, ये जो फ्रंट व्यू वाली लाइन आ रही है वहां पे। जैसे यहाँ पे H डैश से H गिराए कहाँ पे टॉप व्यू पे, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गया फ्रंट व्यू का और ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो गया। ध्यान रखिएगा दिस इज द वर्टिकल पॉइंट एंड दिस इज द वर्टिकल ट्रेस। और ये भी हमने कंडीशन बताया था कि सारे फ्रंट व्यू एक लाइन पे होंगे और सभी टॉप व्यू एक लाइन पे होंगे। नाउ कम टू अनदर मेथड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस मेथड इज कॉल्ड बेसिकली trapezoidal method. This method is used to determine true length, true inclination, theta and phi when projection of the line is being given. Let A dash B dash AB front view top view line का final दिया हुआ है, ये जब final दिया रहे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि trapezoidal method में सिर्फ आप true length, theta और phi निकाल सकते हैं, HT, VT, HB भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको देखिए सबसे पहले आप इसको एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि आपको फाइनल फ्रंट व्यू अल्फा बीटा ये सब दिया हुआ है। अब जो भी आपने यहाँ ड्रॉ किया ए डैश बी डैश और यहाँ पे ए बी, इस ए डैश बी डैश के परपेंडिकुलर लाइन लेना है, जस्ट परपेंडिकुलर लाइन लेना है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए के परपेंडिकुलर कोई भी एक लाइन ले लिए और इस पर आप डिस्टेंस मार्क करेंगे कि ये XY से जितना ऊपर है ए डैश उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे A से लेकर के इधर मार्क करेंगे। आप देखना एक एक करके, ये A से XY लाइन से जितना ऊपर है उतना ही इधर हम मार्क कर लेंगे। ठीक उसी तरह से जितना B डैश है XY लाइन से B डैश है उतना ही इधर मार्क कर लेंगे और फिर इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को A1 को B1 को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू लेंथ। सिमिलर कंडीशन ये आपका दोनों को एक्सटेंड कर देंगे पीछे, ए बी को और A1 B1 को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वह एंगल जो है आपका थीटा होगा और वह पॉइंट H पॉइंट होगा। द सिमिलर फेनोमेना, द सिमिलर प्रैक्टिस इज टू बी एडॉप्टेड फॉर द फ्रंट व्यू। यहाँ भी ए डैश बी डैश से परपेंडिकुलर लाइन ले लिए और XY से जितना नीचे है उतना ही ऊपर कट कर लिए, उसी तरह से ये जितना नीचे है उतना ही ऊपर कट कर लिए और फिर इन दोनों को मिला दिए तो ये भी ट्रू लेंथ निकलेगा A1 B1 के ही इक्वल टू A2 B2, ये भी आपका ट्रू लेंथ होगा। और सिमिलर प्रोसीजर इस दोनों को एक्सटेंड करके ये जो एंगल निकलेगा फाई और जहां इंटरसेक्ट करेंगे वह भी डैश होगा और यहाँ H होगा, इन दोनों को XY लाइन पे प्रोजेक्ट कर देंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस निकल जाएगा। नाउ कम टू फ्यू क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे। द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन 75 mm लॉन्ग लाइन मेजर 65 mm टॉप व्यू कितना है 65 mm और ट्रू लेंथ कितना है 75 mm। क्योंकि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो आधा ऐसे ही सॉल्व हो गया, आधा आपका बन जाएगा। वाइल इट्स फ्रंट व्यू मेजर्स 50 mm, दैट मीन्स कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का लेंथ दिया हुआ है, ट्रू लेंथ दिया हुआ है। द इंड ए इज 12 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी इज इन दी एच पी एंड 12 इन फ्रंट ऑफ बीपी। इन फ्रंट मतलब जितना आगे है उतना ही नीचे बनेगा और क्या बनेगा टॉप व्यू, और इन दी एच पी है तो एक्स वाई लाइन पे ही फ्रंट व्यू बन जाएगा आपका, ये हो गया। अब इसका जो है आप ड्रॉ कर लीजिए, इसका प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए। अब आपको दिया हुआ है 65 mm टॉप व्यू। अब आपको याद हो तो यहाँ से नीचे से टॉप व्यू बनाते थे और इसको आर्क कट करते थे, तो ये आर्क दैट मीन्स की स्ट्रेट लाइन और ये टॉप व्यू दोनों सेम लेंथ का होता था। यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है टॉप व्यू का, लेकिन लेंथ दिया हुआ है। अब इस लेंथ से टॉप व्यू के लेंथ से आता कहाँ से था तो ऊपर प्रोजेक्ट, ऊपर जो आपका बीडेस बनता था उससे नीचे प्रोजेक्ट करते थे, तो ये जो प्रोजेक्ट करते थे किसका ट्रू लेंथ का, तो ये ट्रू लेंथ के लिए हम क्या करेंगे इससे ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए। और ट्रू लेंथ चूंकि दिया हुआ है यहाँ पे आपको, यहाँ ट्रू लेंथ आपको दिया हुआ है 75 mm, तो कंपास पे 75 mm लेंथ लेकर के इसको कट कर लेंगे और इसको मिला देंगे, तो ये आ जाएगा आपका B1 डैश। अब आपका क्वेश्चन बन गया, ये थीटा मिल गया आपका 30 डिग्री। अब इसको B1 डैश जब मिल गया तो अब क्या कर लेंगे इसी को प्रोजेक्टर पे, इसी के प्रोजेक्टर पे चूंकि फ्रंट व्यू का लेंथ आपको दिया हुआ है 50 mm, तो इससे हम A डैश B डैश कर लेंगे। फाइनल मिल गया आपको। अब चूंकि टॉप व्यू यहाँ दिया हुआ है और हमको मालूम है कि B डैश और B एक सेम लाइन पे होता था, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा B होगा, लेकिन कहाँ होगा, इस B से ही आर्क मारते थे B1 के लिए याद हो तो हमने अब उल्टा आर्क मार दिया। अब इसको हम मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा टॉप व्यू, ये हो जाएगा हमारा 65 mm टॉप व्यू। अब हमें यहाँ मिल गया B, अब हमें यहाँ भी चाहिए ट्रू लेंथ, तो ट्रू लेंथ यहाँ 75 मिल चुका है, तो यहाँ पे AB1 ट्रू लेंथ हम ले लेंगे। कितने एंगल पे, एंगल निकल गया आपका, एंगल पे नहीं लेना है एक्चुअली, 75 mm कंपास पे लेकर के इस प्रोजेक्टर को कट कर देना है जो B से आया। दैट इज योर फाइनल प्रोजेक्शन। सी सेकंड क्वेश्चन, द इंड ए ऑफ ए लाइन AB इज इन दी HP 25 mm बिहाइंड दी BP। सबसे पहले A का पोजीशन दिया हुआ है तो A को आप ड्रॉ कर लेंगे। द इंड B इज इन दी BP एंड 50 mm अबव दी HP। The distance between end projector is 75 mm. ध्यान दीजिए this is the 75 mm. Draw the projection of AB. ये भी कंडीशन फिफ्थ का है। ये देखिए A को हमने सबसे पहले the end A of a line in the HP, की XY लाइन पे फ्रंट व्यू बन गया और ऊपर में आपका बिहाइंड VP है। ध्यान दीजिए बिहाइंड VP में क्या बनता है टॉप व्यू XY के ऊपर, कितना ऊपर जितना बिहाइंड रहेगा, ठीक है। उसी तरह से B का भी हम प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिए। B का कंडीशन क्या है इन दी VP है, तो आपका जो टॉप व्यू है वह XY लाइन पे बनेगा और 50 mm अबव दी HP, तो आपका फ्रंट व्यू ये B डैश बन गया। अब आपका फाइनल जो प्रोजेक्शन है वो यही है, A डैश B डैश फ्रंट व्यू और AB आपका क्या है टॉप व्यू, इसको हम मिला दिए, दैट विल बी योर फाइनल फ्रंट व्यू एंड दिस इज द फाइनल टॉप व्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड द ट्रू लेंथ थीटा फाई HTVT। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो वहां भी जिस तरह से A से ड्रॉ करते थे प्रोजेक्टर लाइन, A से प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ किए, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिए कि कैसे हम ड्रॉ किए। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन चेंज होते जा रहा है, कंडीशन वही है, सिर्फ पोजीशन चेंज होते जा रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस B1 को ड्रॉ किए, A से AB को टॉप व्यू वाले को आर्क मारते थे, इसी A के प्रोजेक्टर लाइन पे लेकर के स्ट्रेट लाइन पे गिराते थे, तो ये B1 डैश मिल गया। अब B1 डैश को A डैश से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ट्रू लेंथ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ तो ट्रू लेंथ मिल गया, ये एंगल आपको थीटा भी मिल गया और अल्फा पहले से ही मिला हुआ था, A डैश B डैश वाला अल्फा हो जाएगा और A डैश B1 डैश वाला थीटा हो जाएगा। अब ये ट्रू लेंथ आपको मिल गया 93। अब दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे अब फिर से बी डैश से आर्क मार्क करके आप यहाँ पे B1 प्राप्त कीजिए, या आप जो है डायरेक्ट 93 मिल गया तो आर्क पे 93 का लेंथ लीजिए और ए से ये बी वाला जो प्रोजेक्टर लाइन है इस पे कट कर लीजिए 93 mm। दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ध्यान दीजिए ये 33 डिग्री यहाँ से भी आप लेंगे तो 33 आएगा, यहाँ से भी आप ये उल्टा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, क्लियर दिख पा रहा है, यहाँ क्लियर नहीं दिखता। यहाँ पे अब ये प्रोजेक्टर ले लिए बी डैश से B2 डैश और इसको अब मिला दीजिए तो ये भी 93 आएगा आपका, दैट इज ट्रू लेंथ। अब सवाल आता है कि HTVT, तो हमने बताया था कि जहाँ पे फाइनल टॉप व्यू आपका XY लाइन को कट करेगा वहाँ पे वर्टिकल ट्रेस बनेगा, वर्टिकल पॉइंट, और टॉप व्यू जहाँ पे XY लाइन को कट करेगा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट बनेगा, और यहाँ से जब टॉप व्यू पे गिराएंगे तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनेगा। और यहाँ देखिए ये वर्टिकल ट्रेस बन गया, ये ऑलरेडी फाइनल टॉप व्यू है और इसको प्रोजेक्ट करेंगे कहाँ पे आपके फाइनल फ्रंट व्यू वाले पे, तो ये V डैश देखिए H डैश, A डैश, B डैश और V डैश सभी एक लाइन पे आएंगे और ये सारे टॉप व्यू वाले एक लाइन पे आएंगे। दिस इज योर फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन लेंगे। लाइन ए बी 65 mm लॉन्ग हैज इट्स इंड ए 20 mm अबव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। द इंड बी इज 40 mm above HP and 65 in front of VP. Draw the projection of AB and show its inclination with HP and VP. यहाँ पे distance between end projector भी नहीं दिया है, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में end projector नहीं दिया है, तो कैसे हम draw करेंगे। सबसे पहले A और A डैश मार्क कर लिए। अब B के लिए, अब B हम यहाँ ड्रॉ करें यहाँ ड्रॉ करें ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ मालूम है कि 40 एबव है तो 40 एबव में कहीं ना कहीं फ्रंट व्यू होगा और 65 इन फ्रंट है तो 65 का हम प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिए। अब लाइन का चूंकि हमें ट्रू लेंथ मालूम है 65, तो हम A डैश से आर्क पे एक कंपास पे लेकर के आर्क कट कर लिए तो ये 65 ट्रू लेंथ होगा। A डैश और B1 डैश क्या हो जाएगा आपका ट्रू लेंथ। इन दी सिमिलर वे यहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया अल्फा, और सिमिलर यहाँ से प्रोजेक्ट गिराए और इसको कट कर लिए तो क्या हो जाता था टॉप व्यू। दिस विल बी योर ट्रू लेंथ, सी हियर दिस ट्रू लेंथ ऑटोमेटिकली विल कम 65। और ये फाइनल जो आपका टॉप व्यू बनता था और ये फाइनल जो फ्रंट व्यू बनता था उसका एक ही प्रोजेक्टर पे होता था। दिस इज योर फाइनल टॉप व्यू, क्योंकि यहाँ ट्रू लेंथ से आपने प्रोजेक्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसको आर्क ले लिए तो क्या हो गया फाइनल आपका, और यहाँ पे B डैश, दिस विल बी योर B2 डैश एंड नाउ जस्ट कम दिस विल बी योर ट्रू लेंथ। यहाँ पे AB2 क्या हो गया ट्रू लेंथ, AB क्या हो गया टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू, ये आपको 5 मिल गया। द प्रोजेक्टर ऑफ द इंड, सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। देखिए यहाँ पे इंड प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, सिर्फ पोजीशन चेंज किया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और कैसे एक एक स्टेप ड्रॉ हो रहा है इस चीज को अच्छे से देखिए। ए का पोजीशन हम लोकेट कर सकते हैं क्योंकि ए का पोजीशन दिया हुआ है, इसमें हम मास्टर हो चुके हैं। उसी तरह से बी का भी पोजीशन कहाँ पे 50 mm पे, ये फाइनल आपका टॉप व्यू और फाइनल फ्रंट व्यू आपको मिल जाएगा। ये दिया हुआ है ऑलरेडी बिहाइंड VP, बिहाइंड VP में क्या बनता है आपका टॉप व्यू और बिलो मतलब फ्रंट व्यू, और कितना बिलो जितना बिलो दिया हुआ है फ्रंट व्यू। अब क्या करेंगे फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू से मिलाते थे, टॉप व्यू को टॉप व्यू से, तो ये क्या बन जाएगा आपका फाइनल आपका फ्रंट व्यू बना और फाइनल टॉप व्यू बना। अब इससे हम क्या करते थे, इस AB से प्रोजेक्टर लेते थे और B डैश वाले पे गिराते थे तो B2 मिल जाता था। ध्यान दीजिए इस B से हम प्रोजेक्ट कहाँ गिराए टॉप व्यू वाले उस पे A पे, तो क्या मिल गया हमें B1, और B1 से प्रोजेक्ट गिरा देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको A डैश और यहाँ पे B1 डैश, दैट विल बी योर ट्रू लेंथ। और ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। उसी तरह से ए डैश से और बी डैश से क्या करेंगे हम, बी डैश से ए डैश वाले पे आर्क मार लेंगे और इसको कहाँ गिरा देंगे, इस बी वाले पे। B2 हो जाएगा, इस A को B2 से मिला देंगे तो क्या हो गया हमारा ट्रू लेंथ, और ये भी 91 आएगा और एंगल निकल गया आपका फाई। इस तरह से थीटा और फाई ले सकते हैं। फाइनल टॉप व्यू और फाइनल फ्रंट व्यू, फाइनल टॉप व्यू और फाइनल फ्रंट व्यू जहां XY लाइन को कटते हैं वहाँ H और V मिलता है हमारा। देखिए यहाँ पे H डैश मिल गया और इसको प्रोजेक्ट कर दिए टॉप व्यू वाले पे तो H मिल जाएगा, और यहाँ टॉप व्यू वाले जहाँ कट करेंगे यहाँ भी मिलेगा, और इसको फ्रंट व्यू पे गिरा देंगे तो भी डैश मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, और द प्रोजेक्टर्स ऑफ द एंड लाइन ए बी आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर अबव द एचपी, 3 फाइंड द लेंथ ऑफ एंड ट्रेसेस ऑफ ए बी। द सिमिलर क्वेश्चन, वेरी मच सिमिलर क्वेश्चन, जस्ट डू द प्रैक्टिस। एक एक स्टेप को आप देखें, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कि हम पोजीशन लोकेट कर दें ए डैश बी और बी डैश का, उसके बाद इनको हम मिला दें, दैट विल बी योर फाइनल फ्रंट व्यू एंड फाइनल टॉप व्यू। अब ये ट्राइपोजॉइडल मेथड से हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि उसमें बताए थे हम कि टॉप व्यू से जो परपेंडिकुलर लाइन लेंगे इस XY लाइन से, जो भी आपको दिया है A से कितना लेंगे, जो XY लाइन से A डैश जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इधर मार्क कर लेंगे, देखिए। और सिमिलर यहाँ जितना इधर डिस्टेंस दिया वही डिस्टेंस इधर मार्क कर लेंगे। इस दोनों को आप मिला दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा ट्रू लेंथ। इस दोनों का इंटरसेक्शन एंगल फाई होता था, ये टॉप व्यू है, एंगल क्या हो जाएगा फाई, और जो फ्रंट व्यू के साथ होगा वह आपका क्या हो जाएगा, और ये एच हो गया। ध्यान दीजिए जितना ये नीचे है उतना ही ये ऊपर मार्क कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी जितना ये ऊपर है बी, हमेशा ए और बी टॉप व्यू वाला, वही इतना इधर फ्रंट व्यू में मार्क कर लेंगे, फिर इस दोनों को मिला देंगे तो ये फ्रंट व्यू में लेंथ हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा इनके बीच का। और ये भी और भी डैश आप मार्क कर सकते हैं, XY लाइन पे भी हो जाएगा और फ्रंट व्यू वाले लाइन पे भी डैश होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा फाई। दिस विल बी योर ट्रू लेंथ A2 B2, इधर A1 B1, यहाँ A2 डैश और B2 डैश एक्चुअली, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे स्ट्रेट लाइन का, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी लेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चन अभी और मैं लूंगा आपको स्ट्रेट लाइन में। तो कीप वाचिंग वंस अगेन दिस वीडियो, कीप वाचिंग ऑल दी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वीडियो टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर। धीरे धीरे देखें और इसको प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।